आज हम बात करेंगे बोरिंग बार नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो ये हमारा किस फूल का नॉमेनक्लेचर है, A25TDCLNR12। हमने यहाँ पे इसकी नंबरिंग कर दी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। नेक्स्ट देखते हैं पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा टाइप्स ऑफ बार, यानी कि ये बोरिंग बार को आइडेंटिफाई करेगा कि जो तुम्हारी बोरिंग बार है वो कैसी है, ये टाइप्स ऑफ बार कूल एंड थ्रू, ठीक है। दूसरा है 25 क्या है यहाँ पर, ये है हमारा बोरिंग बार का डायमीटर, यानी कि जो टूल है ना उसका जो डायमीटर है वो कितने की है बोरिंग बार, तो 25 mm की है, ठीक है। उसके बाद तीन नंबर में क्या है, बार लेंथ, यानी कि जो हमारा जो बोरिंग बार है ना वो कितनी लंबी है, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा हमें तीसरा डिजिट टी, A25T, तो तीसरा है बार लेंथ, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा डी, फोर्थ नंबर, डी में क्या है, इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम, ये जो डी है ये है आपका इंसर्ट क्लैंपिंग सिस्टम। फिर आगे है सी, सी है आपका इंसर्ट शेप, यानी कि जो हमारे बोरिंग बार है उसमें जो इंसर्ट लगेगी वो कौन सी शेप की लगेगी, तो सी शेप की लगेगी। नेक्स्ट एल, एल क्या है, होल्डर स्टाइल या टूल टाइप, या हम इसको कह सकते हैं बार लीड एंगल, यानी कि जो उसमें बोरिंग बार में जो एंगल है ना वो कितना रहेगा, वो इंडिकेट करेगा ये 6 नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एन, एन क्या है, इंसर्ट क्लियरेंस एंगल, यानी कि जो इंसर्ट है उसका क्लियरेंस एंगल कितना है। नेक्स्ट आर, आर क्या है, एंड ऑफ टूल, यानी कि जो हमारी बोरिंग बार है वो लेफ्ट एंड है या राइट एंड है, ये बोरिंग बार को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है 12, ये क्या है, इंसर्ट कटिंग एज लेंथ, यानी कि जो हमारे बोरिंग बार में जो इंसर्ट लगेगी ना वो कितने कटिंग एज लेंथ की लगेगी, तो 12 mm वाले कटिंग एज लेंथ की जो इंसर्ट लगेगी ना वो 12 की रहेगी, यानी इंसर्ट कटिंग एज लेंथ 12 mm, ठीक है।